बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। तो आज की वीडियो जो है वो जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है, भटूरे बनाए हैं मैंने, तो छोले भटूरे की वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो रही थी, तो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक में मैंने चने बना लिए और एक वीडियो में मैंने भटूरे बनाए हैं। तो भटूरे आप देख चुके हैं, अब उसके साथ खाने वाले चने जो हैं वो किस तरह तैयार होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, तो सब कुछ आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है। इसके अलावा नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सारी रेसिपीज़ मेरी ओरिजिनल होती हैं, असली बाज़ार वाली रेसिपीज़ होती हैं, तो इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसके साथ ही जो है मैंने आधा किलो चने लेकर भिगो दिए थे, 6 से 7 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए, चने अच्छे से भीग चुके हैं। पानी आप देख सकते हैं, तकरीबन 5 गिलास पानी है इनमें, 5 से 6 गिलास हो सकता है पानी, आप अपने मुताबिक ले लें कि आप कितने देर में आपका कुकर जो है वो, आप कुकर के बगैर भी बना सकते हैं, वैसे मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कितनी देर में आपका कुकर जो है वो चने पका देगा। तो आधा किलो चने भिगोए हुए हैं मैंने 6 से 7 घंटे। इसमें हम डालेंगे आध पाव दाल मसूर की, जो कि मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है धोने के बाद, साफ़ करने के बाद, तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ठीक है। और आपने इसमें डालना है आधी चाय के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मीठा सोडा, और आधी चाय के चम्मच से थोड़ी ज़्यादा नमक, सफ़ेद नमक, ठीक है। मीठा सोडा और नमक जो है वो तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच है वो मैंने इसमें डाला है, और बस हम इसको मिक्स करके और हमने इसको पका लेना है चनों को। चने टूटे ना लेकिन अच्छे से गल जाएं, ये ध्यान रखना है। तो चनों को गलने के बाद मैं आपसे मिली। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट में ही जो है ना चने हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल गल गए हैं और खड़े खड़े हैं, थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब हम इसको साइड पर करते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 कप घी लेके रखा है एक बर्तन में, इसमें मैंने पहले से प्याज ब्राउन की हुई है, तो इसलिए इसके बाकी आद प्याज की थोड़ी थोड़ी इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज लेके काट ली है, घी गर्म है तो मैं इसमें प्याज जो है वो ब्राउन करूँगी। आप लोगों ने देखते रहना है प्याज को हमने क्या करना है ब्राउन करके। तो प्याज देखें हमारी सुनहरी हो गई है, इसको जस्ट 1 मिनट के बाद प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्याज इसके अंदर नहीं चाहिए अभी। अच्छा जी देखें प्याज हमने ब्राउन करके निकाल लिया है, इसको आप जो है अभी हमने साइड पे रख देना है। और घी हमारे पास मौजूद है, इसमें 1 खाने का चम्मच सिर्फ लहसुन डालेंगे, याद रखिए सिर्फ लहसुन डालेंगे, अदरक नहीं डालेंगे हम इसमें, ठीक है। और इसको जस्ट 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। लहसुन हो गया है फ्राई हमारा। तो हमारे पास यहाँ पर टमाटर हैं, तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैंने पेस्ट बना लिया, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और मिक्स कर देते हैं इसको थोड़ा। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें मसाले जो हैं वो वक्तन फवक्तन डालूंगी, एकदम मैं इसमें सारे मसाले नहीं डालूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप बहुत ही अच्छे मज़ेदार किस्म के असली रेसिपी के साथ भटूरे वाले चने बना सकें। तो यहाँ पर मेरे पास नमक है, नमक की क्वांटिटी आपने बहुत ध्यान से डाली है, क्योंकि जब हमने चने बॉईल किए हैं तो उसमें सोडा भी डाला है और नमक भी डाला है। तो यहाँ पर मैं 1/2 चाय के चम्मच नमक ले रही हूँ, हम चेक करके बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बाद में जाकर यहाँ पर काला नमक भी ऐड करना है। तो आपने साथ साथ रहना है, देखते रहना है मैं इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस में क्या क्या शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर है 1/2 चाय के चम्मच मेरे पास दड़ा मिर्च, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हल्दी है मेरे पास 1/2 चाय के चम्मच, जीरा है 1/2 चाय के चम्मच, कलौंजी है 1/2 चाय के चम्मच से कम, 1 चम्मच जो है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, आप ये भी ज़्यादा ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है अजवाइन 1/2 चाय के चम्मच से कम है, ये भी आप इसमें ज़रूर डालें। तमाम स्पाइसेस देखिए मैंने यहाँ शामिल किए हैं, और हम अच्छी सी इसकी भुनाई करते हैं, ठीक है जी। टमाटरों का पानी खुश्क होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा भुन गया है, देखिए घी अलग हो गया है इसका। अब हम इसमें हमारी चने और दाल वाला जो था हमने बनाया मिक्सचर, वो हम इसमें डाल देते हैं। चने और दाल वाला मिक्सचर हमने इसमें शामिल कर दिया, उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से।
और यहाँ पर जो हमारे पास प्याज थी ब्राउन हुई हुई, उसको हमने इस तरह मैश कर लिया है मसल के। ये हम थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं, अभी थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे, और इसको मिक्स कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कि मैं इसमें और क्या चीज़ें शामिल करूँगी, साथ साथ रहिएगा। बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल असली तरीका है, कहीं भी यूट्यूब पे ये तरीका मौजूद नहीं है। मैंने इसमें एक गिलास पानी शामिल किया है क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा सा पकना है। तो अब यहाँ पर जो मैं मसाले शामिल करूँगी, उसमें टाटरी है हमारे पास तकरीबन 4-5 चुटकियाँ या 1/4 टीस्पून, एक खाने का चम्मच धनिया पाउडर है, एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, काला नमक है हमारे पास आधी चाय के चम्मच। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ज़रूरी है डालना। और ये है कसूरी मेथी एक चाय का चम्मच, ये ज़रूर डालिएगा। तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए, इसको मिक्स कर देंगे और 6 से 7 मिनट इसको लो फ्लेम पर ढक के पकाएंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि चने टूटने ना पाए। ये देखें चने बिल्कुल हमारे साबुत हैं, और बिल्कुल इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनेगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। नमक यहाँ आप चेक कर सकते हैं, और अभी मज़ीद चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम इसे पकाते हैं 6 से 7 मिनट ढकने के बाद लो फ्लेम पर। पकते हुए चनों को 7-8 मिनट हो गए हैं, ठीक है। और अब जो मसाले हम शामिल करेंगे इसमें, वो है काली मिर्च। ध्यान से देखिएगा, ये डालना बहुत ज़रूरी है, इसी की वजह से इसका सारा फ्लेवर बनेगा। एक चाय का चम्मच काली मिर्च है, ये मुकम्मल पाउडर नहीं है, थोड़ी मोटी कुटी हुई है। और ये मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, ये एक चाय का चम्मच ले लिया है मैंने, और ये भी ज़ीरा पाउडर हम दोबारा डालेंगे एक चाय का चम्मच। तो हम इसमें चीज़ें शामिल करते हैं, पर हमने डाल दिया है दोनों मसाले, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और जो हमारे पास प्याज थी बची हुई ब्राउन प्याज, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये चिपक गई है, मैं इसको बाद में डाल दूँगी इसमें। और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट दम लगाएंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर, और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चने जो है भटूरे के, वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको वैसे पराठों के साथ भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इनको सिर्फ भटूरों के साथ ही खाएं, आप इनको पराठों के साथ, पूरियों के साथ, नान के साथ, सब चीज़ों के साथ खा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। साथ में भटूरे भी हैं, इसकी वीडियो भी आप देख चुके हैं, तो ये भी बहुत मज़ेदार बने हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं मसाले की वजह से, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, नीचे वाला मैंने एक तोड़ के रखा हुआ है, ये देखिए अंदर इसकी जाली किस तरह बनी है, ये मैं पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, और बहुत सॉफ्ट हमारे भटूरे बने हैं। तो आज की रेसिपी जो थी वो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।